हेलो गाइस, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल नेहास किचन एंड ट्रैवल ऑन अ बजट में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रिस्पी चिली गोभी की रेसिपी, और यकीन मानिए ये खाने में इतनी डिलीशियस है कि घर वाले आपको बार बार यही बनाने के लिए बोलेंगे। तो इसके सारे सीक्रेट्स जानने के लिए आप ये रेसिपी एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ मैं 3 से 4 लोगों के लिए रेसिपी बना रही हूँ। तो सबसे पहले आप एक बाउल में 5 चम्मच ले लें कॉर्न स्टार्च, और कॉर्न स्टार्च के साथ ही आप डाल दें 2 चम्मच मैदा, मतलब कि रिफाइंड फ्लावर। तो नमक का अपने स्वाद के अनुसार डालिए, बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ 1/2 चम्मच नमक डाल सकते हैं। अच्छे कलर के लिए आप ले लें 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर या फिर कोई भी रेड फूड कलर। 1/2 से 1 चम्मच आप इसमें डाल दें काली मिर्च का पाउडर या फिर कुटी हुई काली मिर्च, और 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर आप ले लें सेजवान सॉस। अगर घर में सेजवान सॉस नहीं है तो आप कोई भी चिली सॉस यहाँ पर डाल सकते हैं, और इसके साथ ही आप इसमें डाल दें 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस। तो ये हमारा हो गया है गोभी का मेरिनेशन की तैयारी। इसमें आप थोड़ा थोड़ा कर पानी डालिए। तो ये जो मेरिनेशन है इसे बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है, जैसे हम पकोड़े तलते हैं कुछ उसी तरीके से बनाना है। जो गोभी है इसमें अच्छे से लपेटा जाए, मतलब जो घोल है अच्छे से उसमें चिपक जाए, हमें उतना ही पतला करना है। तो आप इसमें धीरे धीरे करके पानी डालिएगा। तो मेरे आने वाली रेसिपी और ट्रैवल व्लॉग्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और जो घोल है वो चम्मच में इस तरीके से रुक रहा है, मतलब जो घोल है उसकी कंसिस्टेंसी एकदम सही है। तो मैंने एक बड़ा सा गोभी लिया है, इसका वेट करीबन 500 से 750 ग्राम का था। उसे अच्छे से धोकर मैंने सुखा लिया है, या तो आप कपड़े से पोंछ सकते हैं या टिश्यू पेपर में, या फिर इसे आधा घंटा भी अगर आप हवा में रखेंगे तो ये सूख जाता है। बस इसे इस मैरिनेशन में डालकर हमें 15 मिनट के लिए इसे रख देना है। तो ये जो घोल है ये आप चम्मच से तो नहीं चिपका सकते, आपको हाथ जो है वो गंदा ज़रूर करना पड़ेगा। तो आप इसे अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर दें गोभी के साथ। तो जो गोभी है ये आप बहुत ही छोटा छोटा भी मत काटिएगा, नहीं तो फ्राई करते टाइम ये पूरा गलने स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़े आप बड़े क्यूब्स में काटिएगा। और जब तक हम 15 मिनट गोभी को रख रहे हैं, आप इसे फ्राई करने के लिए तेल जो है वो कढ़ाई में बिल्कुल रख दीजिए। तो इसे एक्स्ट्रा क्रिस्पी करने के लिए आप इसे फ्राई करने के पहले इसमें 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च डाल दें, और कुछ इसमें कटोरी में भी चिपक गया था तो मैंने वो भी इसमें डाल दिया है, और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से आप गोभी में कोट कर लें। तो जो तेल है वो मीडियम फ्लेम में मैंने गरम कर लिया है, और इसमें सारे गोभी को आपको डीप फ्राई करना है। तो बहुत ज़्यादा तेज आंच में अगर आप गोभी फ्राई करेंगे तो गोभी जो है वो बाहर से तो पक जाएगी बट अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो आप मीडियम फ्लेम में ही गोभी फ्राई करना। तो बीच बीच में आप गोभी को पलटते भी रहना ताकि जो गोभी है वो हर तरफ से अच्छे से पक जाए और क्रिस्पी बन जाए। और जो गोभी है वो अच्छे से फ्राई होके रेडी हो चुकी है, इसमें बबल आना बंद हो गया है, इसका मतलब जो गोभी अच्छे से पक चुकी है। आप हल्का से इसे चम्मच से अगर दबाकर देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि हाँ गोभी अभी हो चुकी है। तो इसे जल्दी जल्दी हम एक टिश्यू पेपर में निकालेंगे क्योंकि इसमें काफी ज्यादा ऑयल होता है। तो अगर आपको गोभी की जगह पनीर यूज करना है तो आप बिल्कुल इसकी जगह आप पनीर जो है बनाकर देख सकते हैं। तो मुझे तो सारी गोभी फ्राई करने में 3 टाइम्स यहाँ पर लग गए थे, बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी से जो गोभी है वो बनकर रेडी हो चुकी है। मुझे तो लग रहा है मैं इसे ऐसे ही अभी खा जाऊं। तो या तो आप सेम कढ़ाई में या फिर आप एक कोई दूसरा पैन ले लें, और जो तेल था जिसमें हमने गोभी फ्राई की थी उसमें से आप 3 से 4 चम्मच तेल डाल लें। तो गैस आप मीडियम फ्लेम में ही रखिएगा, और उसमें आप डाल दें 2 बारीक कटे हुए लहसुन, 1/2 इंच टुकड़ा बारीक कटा हुआ अदरक और 1 से 2 हरी मिर्च। तो ये जो रेसिपी मैं अपने बच्चे के लिए बना रही हूँ इस वजह से इसमें मैंने बहुत ज़्यादा चिली यूज़ नहीं किया है, आप चाहें तो इसमें ज़रूर ज़्यादा चिली डाल सकते हैं। तो इसके बाद आप गैस का फ्लेम लो करके इसमें डालें 1 चम्मच सोया सॉस और 2 चम्मच टोमेटो सॉस।
और इसमें मैंने फिर से डाला है एक चम्मच सेजवान सॉस। तो पूरे रेसिपी में मैंने 2 बड़े चम्मच सेजवान सॉस का यूज किया है। तो गोभी को स्पाइसी के साथ थोड़ा चटपटा बनाने के लिए मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच नींबू का रस, या तो आप विनेगर भी डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है पानी, और अब मुझे वेट करना है इसके उबलने का। तो यहाँ 1/2 चम्मच आप नमक भी डाल सकते हैं, क्योंकि जो बाकी जो सॉस डाला है उसमें भी नमक होता है। तो जब तक उबाल आ रहा है, इसमें मैंने 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च में थोड़ा सा पानी डालकर एक घोल बना लिया है। तो ये घोल बनाने से जो ग्रेवी है वो बहुत ही अच्छी थिक भी बनेगी, और बहुत ही ज़्यादा उसमें ग्लॉसी लुक भी आएगा, तो जो देखने में बड़ा अच्छा लगता है। तो बस आप एक उबाल आने दें, गैस का फ्लेम आप कर दें फिर से मीडियम। तो इसमें मैंने एक मीडियम प्याज को थोड़े बड़े बड़े स्लाइस में काट के इसे डाल दिया है, और मेरे पास थोड़ी सी शिमला मिर्च बची हुई थी। आपके पास जो भी कलर की शिमला मिर्ची हो वो आप इसमें बड़े क्यूब्स में काट कर डाल दें। और बस रेसिपी ऑलमोस्ट बनकर रेडी है। तो जो फ्राई किए हुए गोभी थे वो आप इसमें जल्दी जल्दी मिक्स कर दें। तो अगर आपको किसी पार्टी के लिए रेसिपी बना के रखनी है तो आप इसमें जो गोभी है वो फ्राई करके पहले से रख सकते हैं। हाँ, वो उतनी ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होगी, बट जैसे ही आप उसको गरम गरम सॉस में डालेंगे उसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आएगा। तो मेरे पास घर पे स्प्रिंग ऑनियन नहीं था, अगर आपके पास हो तो आप इसमें ऊपर से उसे डालकर गार्निश जरूर करिएगा, उसका टेस्ट और लुक दोनों ही बहुत ही अच्छा आता है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे लाइक और कमेंट करके तो आप ज़रूर बताइएगा, और मेरी आने वाली अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।